हुंडई ने अपनी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू के स्पोर्ट और इंटेलिजेंट मैनुअल वेरिएंट्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें हमें कुछ नए फीचर्स और स्टाइलिंग अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं अपग्रेड्स और चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप वेन्यू और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज और बेस्ट कार्स इन एवरी बजट, पेट्रोल और डीजल जैसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल गीकी ऑटो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब 2020 वेन्यू के नए वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। अभी तक आपको वेन्यू में 3 इंजन्स मिलते थे, जिनके साथ टोटल 3 गियरबॉक्स के ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन अब एक नया गियरबॉक्स भी मिलेगा। ये है हुंडई और किया मोटर्स की तरफ से IMT, यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। आप इसको क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स भी कह सकते हैं, जहां पर ये एक हाइब्रिड सेटअप है मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का। इस सिस्टम में आपको खुद से ही गियर चेंज करने होंगे, लेकिन बिना क्लच पेडल दबाए। जी हाँ, इस गियरबॉक्स में क्लच अपने आप एंगेज हो जाएगा, जैसे कि ऑटोमेटिक गियरबॉक्सेस में होता है। इस सिस्टम में एक इंटेंशन सेंसर फिट किया गया है, जो कि गियरबॉक्स को बताता है कि कब ड्राइवर गियर चेंज करेगा, और उसी वक्त TCU यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट क्लच को एंगेज कर देगा, जिससे आप गियर चेंज कर पाएंगे। ये गियरबॉक्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें मैनुअल गियर शिफ्टिंग के मजे भी लेने हैं और क्लच पेडल से मुक्ति पानी है। चलिए पहले वेन्यू के इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। 2020 वेन्यू में आपको 3 इंजन्स मिलते हैं, जिनमें अब टोटल 4 गियरबॉक्स के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इनमें से एक होगा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 83 PS की पीक पावर और 114 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ आपको सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलेगा। दूसरा इंजन है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 100 PS की पीक पावर और 240 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही ऑप्शन मिलेगा। और तीसरा और सबसे पावरफुल इंजन है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 120 PS की पीक पावर और 172 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड IMT और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। चलिए अब वेन्यू के IMT वेरिएंट्स के प्राइजेस और वेरिएंट लिस्ट की बात कर लेते हैं। IMT वेरिएंट्स आपको वेन्यू के ऑलरेडी मिलने वाले वेरिएंट्स SX, SX ऑप्शनल, SX स्पोर्ट और SX ऑप्शनल स्पोर्ट वेरिएंट पर बेस मिलेंगे। नया IMT गियरबॉक्स आपको सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलेगा। 1 लीटर पेट्रोल IMT वेरिएंट्स के प्राइसेस आप देख ही सकते हैं। SX वेरिएंट में आपको ये गियरबॉक्स 9.99 लाख का मिलेगा, SX ऑप्शन वेरिएंट में 11.08 लाख का, SX स्पोर्ट वेरिएंट में 10.2 लाख का और SX ऑप्शन वेरिएंट 11.2 लाख का मिलेगा। वेन्यू स्पोर्ट्स वेरिएंट्स आपको ऑलरेडी मिलने वाले वेरिएंट्स S, SX ऑप्शनल और SX प्लस पर बेस मिलेंगे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ। और हुंडई ने 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ भी स्पोर्ट ट्रिम को लॉन्च किया है S प्लस वेरिएंट के नाम से, जिसका प्राइस रखा गया है 8.31 लाख एक्स शोरूम। और बाकी वेरिएंट्स के प्राइसेस भी आप देख ही सकते हैं। अब बात करते हैं वेन्यू के स्पोर्ट ट्रिम की। इस ट्रिम में आपको एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स में स्टाइलिंग अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं। एक्सटीरियर्स में इस वेरिएंट को रेड ब्रेक कैलिपर्स, डुअल टोन कलर स्कीम, स्पोर्ट एम्बलम, ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट ग्रिल, डार्क ग्रे फ्रंट बम्पर गार्निश, डार्क ग्रे रूफ रेस विद रेड इंसर्ट्स ऑन व्हील आर्चेस एंड बॉडी साइड मोल्डिंग जैसे कुछ अपग्रेड्स मिलते हैं। और इंटीरियर्स में इस ट्रिम में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, बिल्कुल सेम 2020 क्रेटा जैसा, स्पोर्टी मेटल पेडल्स, डार्क ग्रे अपोस्ट्री, रेड कलर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, रेड कलर एक्सेंट्स ऑन नॉब्स एंड बटन जैसे अपग्रेड्स मिलते हैं। अब वेन्यू 1 लीटर DCT वेरिएंट की भी बात कर लेते हैं। 2020 वेन्यू DCT वेरिएंट्स में अब आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे, जैसे कि आपको क्रेटा में मिलते हैं, तो ये काफी बढ़िया फीचर अपग्रेड है मेरे ख्याल से। तो ये थी मेरी तरफ से 2020 हुंडई वेन्यू से जुड़ी एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।